इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में। और ये जो भूकंप है इसका केंद्र नेपाल में, और भूकंप से नेपाल में जो तबाही हुई है उसकी ये शुरुआती तस्वीरें सामने आई हैं। वही तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पश्चिमी नेपाल का बगान जिला ये बताया जा रहा है, पहाड़ी इलाका है ये जहां पर भूकंप का केंद्र, और वहीं पर ये कुछ पुराने मकान जो भूकंप की चपेट में आकर ढह गए। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये टूटे हुए मकान भूकंप के तेज झटकों को झेल नहीं पाए और बिखर गए। तस्वीरें आपके सामने है, इसमें कुछ कच्चे से मकान भी नजर आ रहे हैं। पुराने मकान है ये जो तेज झटकों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और ढह गए। नेपाल में भूकंप की तबाही की ये शुरुआती तस्वीरें जो आना शुरू हुई है। और इस बीच दिल्ली एनसीआर तक ये भूकंप जिसका केंद्र नेपाल में था उसके तेज झटके महसूस किए गए हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ दिल्ली से। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, जिस समय भूकंप आया चंद सेकंड के लिए महसूस किए गए वो तेज झटके, लेकिन डर और दहशत अपने साथ ज्यादा लेकर आया, उसे आपके इर्द गिर्द जो लोग थे वो किस तरीके से बयां कर रहे हैं? जी देखिए, अधिकतर लोग जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें पहले ये नहीं समझ में आया कि कंप्यूटर क्यों हिला या फिर पानी की बोतल सामने रखी हुई क्यों हिली, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आया कि ये तो अर्थक्वेक है, ये भूकंप है, तो ठीक उसी समय कुछ लोगों ने खिड़कियों से देखा, नीचे दौड़ते हुए लोगों को देखा और लगभग सभी वापस एक बार फिर से नीचे आ गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या स्थिति थी, क्या मनोस्थिति थी आपकी जब आपने देखा, जब भूकंप के झटके आपने महसूस किए, तो फिर कैसे क्या किया पहला कदम? तब भूकंप झटके आ रहा था तो हम लोग यहीं पर थे गेट पे, तो यहाँ से एकदम से बाहर को भागने लगे सभी लोग, ऊपर से भी आ रहे थे, तो हमने देखा, मैं पता नहीं क्या हुआ है भाई, एकदम हल्का हल्का सा हिल रहा था। लेकिन ऐसे पहले कभी इस तरह का डर काम करते समय या अनुभव कभी इस तरह का रहा हो? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा कभी पहले। और बता दें कि क्योंकि इसके झटके आपको नेपाल में, नेपाल की अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो नेपाल पूरी तरह से हिमालय की गोद में है, और हिमालय की गोद में जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो ये सीधा अर्थक्वेक में बदल जाता है, यानी कि अगर पहाड़ की कोई भी परत जमीन के नीचे जरा सी भी हिलती है तो वो भूकंप लेकर आती है और उसका असर कई किलोमीटर नीचे तक होता है। उसको इस बात से समझा जाए कि अगर 6.2 या 4 उसकी गति है या उसकी तीव्रता है तो उसका असर कितने किलोमीटर जमीन के नीचे तक गया है, अगर 5 किलोमीटर तक गया है जो कि इस मामले में है, तो उसका असर लेंथ में यानी कि नेपाल से लेकर दिल्ली तक उसका असर महसूस किया जाएगा, क्योंकि जमीन के नीचे जो तीव्रता होती है उसका अंदाजा नहीं। मनोज्ञा रविवाल, यहां पर जो नेपाल में केंद्र भूकंप का, उसका असर जो है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तक महसूस किए गए हैं भूकंप के वो झटके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।